देखिए प्रभास की कलकी से काफी सारी अपडेट आ गई है, वो भी उसके ट्रेलर के रिलीज डेट से ही। लेकिन थाला फटी विजय के फैंस के लिए एक बुरी अपडेट आ गई है, जो आपको भी दुख होगा विजय सर का इंसिडेंट सुन के। खैर सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। एक्चुअली भाई कल दोपहर को IIT बॉम्बे में गए थे नागस्टिन, जहाँ कल IIT बॉम्बे में एशिया का सबसे बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फेस्टिवल हुआ था, और इसी फेस्टिवल में नागस्टिन गए थे अपनी कलकी का प्रमोशन करने, और साथ में कॉमिक कॉन के जैसा ही IIT बॉम्बे में इनकी कलकी का राइडर आर्मी भी गए थे अपने इस कॉस्ट्यूम में, जो सही में ऑसम लग रहे। खैर IIT बॉम्बे में नागस्टिन काफी सारे बातें की हैं फिल्म के VFX के बारे में भी। उनका बोलना है कल की फिल्म का VFX टीजर से भी ज्यादा बेटर आपको मिलेगा। लेकिन इसके बाद जब उनसे वहां के स्टूडेंट ने पूछा सर आप कल की का ट्रेलर कब रिलीज करेंगे, तब इसके जवाब में उनका बोलना है हम कल की का ट्रेलर आज से 93 दिन बाद या सेम उसी डेट पर ही रिलीज करेंगे, और बाकी 29 दिसंबर से 93 दिन बाद 2024 का 1 अप्रैल आता है। सो इसलिए हमें प्रभास की कल की फिल्म का ट्रेलर नागस्टिन 1 अप्रैल या 31 मार्च को देंगे देखने को। लगता है भाई फिल्म का ज्यादातर पोर्शन का शूटिंग नागस्टिन प्रभास के साथ खत्म कर लिए हैं, और साथ में फिल्म का VFX वाला काम भी चल रहा है, यानी जल्द ही VFX वाला काम खत्म करके ही फिल्म का रिलीज डेट रिवील कर देंगे डायरेक्टर नागस्टिन। और हाँ भाई इसी इवेंट में कल्कि का एक न्यू पोस्टर भी लगाया गया था, ये वाला, जो सच में गजब का है। प्रभास के कल्कि के लुक पर भी अच्छा काम किए हैं नागस्टिन, लेकिन मानना पड़ेगा भाई वैजयंती मूवी फिल्म के प्रमोशन में अब ऐसे ही जान लगा दिया है। कल्कि के टीजर के रिलीज से पहले ही वो कितने सारे इवेंट कर चुके हैं। एक तो इवेंट वो USA के कॉमिक कॉन में जाके भी कर दिए हैं कल्कि का हॉलीवुड के मीडिया के सामने, यानी कि भाई हम वाले कंपनी की जैसा कल्कि वाले प्रमोशन में कोई लापरवाही नहीं करेंगे। वो अपनी फिल्म को प्रमोट एकदम बड़े स्केल से इंडिया और दूसरे देशों में करने वाले हैं, और तब भाई कल्कि का ओपनिंग भी हिंदी में हमें कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा ही देखने को मिलेगा अगले साल 2024 में। बाकी अब चलिए थाला फटी विजय के न्यूज पर आ जाते हैं। एक्चुअली में विजय सर के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। वो कल तमिल एक्टर कैप्टन के अंतिम संस्कार में गए थे, और वहीं इनको भीड़ में किसी ने चप्पल मार दिया है, और इनके साथ वहां धक्का मुक्की भी कुछ लोगों ने बहुत किया था। और ऐसा बोला जा रहा है तमिलनाडु में जो हादसा विजय सर के साथ हुआ है वो एक्चुअल में पॉलिटिक्स के कारण हुआ है। कुछ DMK के लोग ही थाला फटी विजय सर को हार्म करने का कोशिश किए थे उस जगह पर, और आप तो जानते हैं जब से विजय सर पॉलिटिक्स में जाने का फैसला किए हैं तभी से वहां के DMK गवर्नमेंट विजय सर की फिल्मों पर केस करता है, सुबह का शो चलाने नहीं देता है उनकी फिल्मों को, और अब वहां के पार्टी के लोग विजय सर के ऊपर खुले में हमला भी करना चालू कर दिए हैं, जो सच में देख के बुरा भी लगता है थाला फटी विजय सर के लिए। कोई इंसान को इस लेवल तक भी परेशान नहीं करना चाहिए। खैर पता नहीं वहां के DMK वाले अब कितने थाला फटी विजय सर को परेशान करते हैं पॉलिटिक्स में जाने की वजह से। बाकी भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अनुरोध करता हूं।